चलिए आज हम लोग चलेंगे सीबीएसई क्लास 10th का आर एस रावाल किताब से 10 का चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 मैथ ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। इसमें देखेंगे पहला कि इफ साइन थीटा बराबर √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। तो हम सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे लेटेस्ट फर्स्ट ट्राई ए राइट ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड सी एंगल सी बराबर थीटा देन साइन थीटा पी बाई एच होता है फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। पिछले क्लास में आपने देखा है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच जिसमें ए बी बटा ए सी दिया हुआ है ए बी बटा ए सी जिसमें इसमें पी थीटा के सामने वाला को हम पी कहते हैं और ये 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने वाला को हम एच कहते हैं तो इसमें हम लोग पी बाई एच तो हमको ए बी का वैल्यू दिया है ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है तो ए बी का वैल्यू पुट करने के लिए हमको यहाँ पे तो ए बी का वैल्यू तो यहाँ पे ये सामने वाला तो 3k और यहाँ पे √3k है और यहाँ पर 2k है इसलिए हम ए बी वाला √3 और बटा ए सी वाला 2k तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे बन जाएगा तो मान लेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा √3k और ए सी का वैल्यू हो जाएगा 2k। इसलिए ए बी ए सी देखिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ज्ञात करेंगे बी सी ज्ञात करेंगे तो बी सी के लिए हम लोग बनाएंगे बी सी बराबर हो जाएगा कितना ए सी स्क्वायर कर्ण बड़ा होता है ना तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर तो हम लोग चलेंगे ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2k तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा तो √2 तो 2 का 4k² और माइनस रूट पर स्क्वायर चढ़ते हैं तो रूट खत्म 3k² हो जाएंगे इसलिए आ गया 1k² इसका मतलब 1k अर्थात इसका आ गया 1k। अब हम पूरा निष्पत्तियाँ जो भी है निकालना वो निकाल देते हैं। हमको निकालना है साइन थीटा तो पता है साइन थीटा तो पता है पी वाई एच ये तो हमको पता है कॉस थीटा तो कॉस थीटा का क्या होता है जी बी बटा एच तो थीटा के लिए बी कौन हो जाएगा थीटा के लिए बी वन तो वन के और बटा एच तो दिया है 2k तो इसका कट गया 1/2 आ जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे कॉस हो जाएगा उसके बाद टेन निकाल लेंगे पी बाई बी तो पी का क्या हो जाएगा √3k और बी हो जाएगा 1k इसलिए k खत्म √3/1। उसी प्रकार हम लोग टेन के हो गया फिर हो गया sec थीटा h बटा b तो h का वैल्यू कितना 2k और बी का वैल्यू 1k तो यहाँ पे ए फिर 2 आ गया। उसी प्रकार हो जाएगा कौशिक ठिट्टा तो यह कौशिक ठिट्टा h बटा p तो कितना हो जाएगा h बटा p तो h का वैल्यू 2k और p का वैल्यू √3k के खत्म 2√3 आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 इफ टेन थीटा बराबर 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। चलेंगे हम सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे ड्रा करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग ट्राई लेंगे जिसमें ए लिखेंगे बी लिखेंगे सी लिखेंगे इसको थीटा मान लें और तो हम लोग अब हम लोग चलेंगे दिया हुआ है इसको 90 डिग्री तो दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 15/8 इसलिए टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाई बी अर्थात पी का वैल्यू ए बी और बाई बी का वैल्यू बी सी इसलिए 15k और 8k तो हम लोग ये आ जाएगा पी का वैल्यू 15k इसलिए ए बी बराबर
15k और BC बराबर 8k, तो हम लोग AC निकालेंगे। तो AC बराबर रूट अंडर 15k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर, 15 225 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर। और अब इसका हल करने के बाद तो एक हो जाएगा 10 तो 12, 12 सौ लिया 4, एक हो गया और 10 दो 12, 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6 और एक 161 के स्क्वायर। तो 161 के तो हो जाएगा 161 के। सॉरी यहाँ पे ए ए सी है बड़ा भुजा निकलना है, प्लस साइन माइनस क्योंकि था साइन प्लस हो जाएगा प्लस होगा, और यहाँ पे हमें ऐड करने के बाद हो जाएगा 6 5 4 9 और 6 6 2 8 2 इतना के अर्थात 17 के आएगा। अब हम लोग सब निष्पत्तियाँ निकाल लेंगे, इसलिए सब निष्पत्तियाँ साइन थीटा पी बटा एच, ये हमारा कितना गया 17 के। तो पी पी का वैल्यू 15 और के बटा 17 के 15 बटा ए 17, उसी का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बी बाई एच, बी का वैल्यू 8 के और एच का वैल्यू 17 के खत्म हो जाएगा 8/17। उसी पर हम टेन का कॉट निकाल लेते हैं, तो कॉट का वैल्यू बी बटा पी, तो बी का वैल्यू ठीक है, तो बी बी का वैल्यू कितना 8k बटे 15k खत्म 8/15। अब लोग हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग इस पर लिखा हुआ है इफ हमें 10 दिया हुआ है, 10 थीटा बराबर 2, तो फाइंड द वोल्टेज। इसलिए सबसे पहले हम इसे ट्रायंगल बनाएंगे, ये होगा बी सी, इसका ये थीटा मान लें, इसलिए यहाँ पर दिया क्या है कॉट थीटा बराबर 2, लिख सकते हैं वह अर्थात कॉट थीटा बराबर यहाँ पे फार्मूला होता है बी बटा पी, तो बी का वैल्यू बी सी और पी का वैल्यू ए बी, तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू यहाँ पर 2k और 1k, अर्थात बी सी बराबर 2k और ए बी बराबर 1k। तो लोग सबसे पहले निकालेंगे एसी, एसी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो एसी सबसे बड़ी भुजा है, तो एसी दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो इसका मतलब कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए तो ए बी का वैल्यू, तो रूट अंडर एसी बराबर ए बी का वैल्यू 1k का स्क्वायर और BC का वैल्यू, BC का वैल्यू 2k स्क्वायर। तो हम लोग 1 पर स्क्वायर तो 1k स्क्वायर और प्लस 4k स्क्वायर तो 5k स्क्वायर, यहाँ पे तो रूट 5k। तो हम लोग देख लिए सब दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा पी वाई एच, साइन थीटा पी वाई एच, तो पी का वैल्यू कितना गया है, पी का वैल्यू दिया गया है तुम्हारा यहाँ पे, पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1k और पी का वैल्यू यहाँ पर 2k और यहाँ पे एच का वैल्यू
रूट फाइव किया गया, रूट फाइव के, इसलिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, तो वन बटे वन के बटे रूट फाइव के, वन बटे वन के बटे, तो वन के बटे रूट फाइव के कट जाएगा, कट जाएगा, इसलिए वन बटा रूट फाइव आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा पी बटा एच, तो बी का वैल्यू टू के बटा रूट फाइव के, ये दो से दो टू रूट फाइव आंसर आएगा। उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन नहीं कॉट निकाल लेते हैं, कॉट तो ही गया है ना, दिया हुआ क्या था जी, कॉट दिया था, तो टेन निकालेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी का वैल्यू वन के और बी का वैल्यू टू के खत्म, वन बटे टू। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर एच बटा बी, एच का वैल्यू रूट फाइव के और बी का वैल्यू टू के, खत्म हो गया रूट फाइव बाई टू। आगे देखेंगे कौशिक का, कौशिक थीटा बराबर एच बटा पी, इसलिए एच बराबर रूट फाइव के वाई, यहाँ पर वन के, एक कट गया रूट फाइव बटा वन। अब एक दो तीन चार पाँच, अब पूरा का लो निष्पत्ति निकल चुका है और ये हमारे पास सभी आंसर आ चुके हैं। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे।